कल जो किशनगंज में इसाक आलम साहब निकाय चुनाव में उतरे थे और उन्होंने अपने नाम को वापस ले लिया, जिससे कि 26 वार्ड से जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं, इन सबों में नाराजगी है बहुत ज्यादा कि हमेशा हम लोगों के नगर के लोगों को पार्टी के बिहार के जो टीम है उन लोगों ने हम लोगों का यूज किया है। बस यही हम लोगों को दिल में तकलीफ है और हम लोग को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कोई तकलीफ नहीं है, बिहार के टीम से हम लोगों को तकलीफ है। अगर उनको जब ये चुनाव नहीं लड़ना था तो ये मंथन पहले करना था, हम सारे कार्यकर्ता को यूज करने के बाद और हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया और आज चौक चौराहे पे हम लोग जाते हैं तो हम लोगों के साथ आज लोग गाली गलौज पे उतर जाते हैं कि हम विधायक हैं वो भाग जाते हैं, तुम्हारे जिला अध्यक्ष हैं वो भाग जाते हैं, तुम लोग बिकाऊ हो, तुम लोग भाजपा के भी टूम हो, हम लोग ये कब तक सुनेंगे। आज साथ साथ हम लोग पार्टी को सींचे सवारे और आज हम लोगों को ये मौका मिला, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जितने लोग हैं MIM के नगर के बहुत ही मजबूत लड़के लोग हैं, ये सबके साथ हमें सामूहिक जो है इस्तीफा देने भी हर एक पद से इस्तीफा देते हैं। हम लोग AIMIM के कोर टीम में से हैं, किशनगंज के टीम, और AIMIM ने जो किया हम लोग के साथ कार्यकर्ताओं को कोई वैल्यू नहीं दिया, कोई तरजीह नहीं दिया। MIM का ये फैसला है कि नामांकन वापस ले लिया जाए वाइस चेयरमैन के पद से, तो यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता थे किशनगंज शहर के उनको बहुत आघात पहुँचा कि हम लोगों ने फील्ड इतना सजाया था, इतना मेहनत किया था और आज अचानक से MIM के जो बड़े पदाधिकारी उनका फैसला आता है कि आप नामांकन को आप वापस ले लीजिए, ऐसे में सभी को बहुत आघात पहुंचा है और बहुत तकलीफ हुई है। तो सभी लोगों ने ये फैसला लिया जितने भी कार्यकर्ता थे कि हम लोग सब मिलकर सामूहिक रिजाइन देते हैं और पार्टी को छोड़ने का काम करते हैं।